Very sorry. आप लोग आ गए? नमस्ते, मेरा नाम रूपा अवस्थी है, मैं इस घर की बहू हूँ. अब आज हमारे घर में पूजा है ना, इसलिए मैं तैयारी करी थी, अभी उठा लेती हूँ. मैं ना कुछ गलती कर ही लेती हूँ. दिन में ना कम से कम 4-5, 8-10 गलतियां तो करती हूँ. आपको पता है, आज सुबह मैं दूध उबाल रही थी, इतना उबाल दिया कि पूरे किचन में दूध ही दूध. और मैं पराठे सेक रही थी, इतना सेक दिया कि आलू के पराठे कोयले के पराठे बन गए. मेरे साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ होता ही है, मतलब मैं कुछ भी करूँ ना, गड़बड़ की बात गड़बड़. मैं खुद अपने आप से परेशान, और मैं क्या, मेरा पूरा परिवार मुझसे परेशान है. पर है सब बहुत स्वीट, बहुत प्यार करते हैं मुझसे, मुझे माफ भी बहुत जल्दी कर लेते हैं. बहुत मजेदार शो, बहुत लाइट है, बहुत फन है. आप अपने पूरे परिवार के साथ देख सकते हो, ऐसा शो है. यू नो, बहुत मजा आता है हमको शूट करने में, तो आई होप आपको उतना ही मजा और उससे ज्यादा मजा आया देखने में. क्या ये फिल्म, ये क्या सीरियल भूतों में, मतलब आपकी मौत हो जाती है? मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि इस बेलन से मैं क्या क्या कर सकती हूँ. सोच नहीं सकते लोग इस बेलन ने वो काम किए. हाँ, आप सबकी सोच खत्म हो जाती है इस बेलन. ये बेलन वहाँ से शुरू होता है, बेलन वहाँ से शुरू होता है. और क्या आपकी मौत हो जाती तो आप आते हैं? स्टोरी पूरी पूछने में तो फिर इंटरेस्ट खत्म कर दो यार. नहीं, पर ये भूतों वाली, भूतों वाली नहीं है, डरावना सीन नहीं है, बिल्कुल नहीं है. सिर्फ पति मरा हुआ है, भूत भी बहुत क्यूट है. भूत के पास कोई पावर नहीं है, कोई चमत्कारी नहीं है, बिल्कुल डरा हुआ गरीब सा भूत है. तो वो बहुत मजेदार है और मुझे बहुत डराता है, लेकिन प्यार से. प्यार तो आप भूलते भी काफी है शो में, तो ऐसा कौन सी रियल लाइफ में कुछ ऐसा आप भूले? कुछ भूलती हूँ. हाँ, मतलब मैं गिराती हूँ, मैं बहुत गड़बड़ करती हूँ, मैं बहुत करती हूँ. हाँ, मैं रियल लाइफ में भी इससे ज्यादा है. कितना ये सीरियल में गुफा करती है, इससे रियल लाइफ में करती है. बहुत सारे बहुत सारे हमारे जो स्क्रिप्ट के आइडियाज हैं वो इनकी पर्सनल ऐसे मिलते हैं कि ये इतने गुफा दिन भर में करती है. कभी फोन गिराना, कभी टकरा जाना, तो वो सब गुफा जो है मेरे सीरियल में काफी काम आ रहे हैं. यूएसपी ऑफ द शो इज द कॉन्सेप्ट. और सबसे बढ़िया बात है कि फर्स्ट एपिसोड में एंड हो जाता है. ये थोड़ा कंफ्यूजिंग साउंड करेगा, बट दिस इज द फैक्ट. And the cast, it's awesome. Thanks. Thank you. Yeah, including myself. A lot of senior actors like Bhavna ji is there, Sudhir ji, Mushtaq ji. So the cast is mind blowing. Krystle hai, so बहुत मजा आ रहा है काम करके. बेलन, बेलन मैं कभी किचन में नहीं गई है पूरे शो में अभी तक. बेलन तो जैसे आपने देखा है कि मेरा सिर्फ काम ये है कि मैं सेल्फी खींचूँ, खूबसूरत लगूँ. और मेरा काम ये है कि मैं ज़्यादा काम नहीं करती, या फिर बिल्कुल कोई काम नहीं करती. तो ऐसा है, बस मुझे, मैं कामचोर हूँ, मुझे काम करना अच्छा नहीं लगता. मैं मेरे कैरेक्टर की बात कर रही हूँ. और मेरे कैरेक्टर का नाम है शालिनी अवस्थी, इनकी पत्नी हूँ. और हम दोनों में कुछ सिमिलैरिटी है. जैसे ये रिटायर्ड है, तो मैंने काम से रिटायरमेंट सस्पेंडेड है, तो मैंने काम से रिटायरमेंट ले ली है. मुझे काम करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, लेकिन काम ना करने के लिए भी मेरे पास ऐसे एक्सक्यूजेज है जो आज तक कोई बहू ने अपने घर में नहीं दिए होंगे. मतलब भूत ऐसे एक्सक्यूजेज के नहीं, मतलब एक्सक्यूजेज नहीं है, मुझे एक्चुअली भूत दिखते हैं. पर इनको ऐसे लगते हैं, इनको ऐसा लगता है कि मैं ये एक्सक्यूज देती हूँ. मुझे सच में भूत दिखते हैं. आपके पीछे कोई खड़ा है, आपके भी पीछे कोई खड़ा है, मुझे दिख रहा है. मैं सच कैमरा के साथ भूत वाला कैमरा है वो. हाँ, तो मैं कह रही हूँ कि ऐसे होते रहता है मेरे साथ. और मैं खुद में बहुत मस्त हूँ, खुश हूँ, मुझे इंजॉय करना अच्छा लगता है, और हर बात में अपनी टांग अड़ाना अच्छा लगता है. और मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ. इनको सब निकम्मा समझते हैं. शो का कॉन्सेप्ट ये है कि एक बेलन आदमी को डैश 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 कुछ भी लिख लेना. एक हमारा अपना घर का मेंबर, एक मेरा ग्रैंडसन, पार्टनर, भाई, वो सब एक परिवार का चहेता, वो सब भी चला जाता है दुनिया में. और कैसे न रह करती, वो इस परिवार के साथ है,
और इस परिवार की मदद करता है, हमेशा मदद करता है और करता रहेगा, क्योंकि ये परिवार किसी मुसीबत में फंसता है या रूपा किसी मुसीबत में फंसती है, क्योंकि रूपा का बेसिक स्वभाव क्या है, बहुत सिंपल सी लड़की है, उसके साथ हमेशा कुछ ना कुछ उससे एरर होता रहता है, कभी कुछ ना कुछ उससे थोड़ा सा उसका क्लंजी वो हो जाता है, कोई भी चीज़ करना चाहती है गलत हो जाती है, और कैसे उस गलत चीज़ की वजह से वो फंस जाती है, घर का माहौल बिगड़ जाता है, और कैसे उस माहौल ये कह दीजिए एक एक ये जो लड्डू है जो उससे ही इंटरेक्ट करता है, उसकी मदद से कैसे चीज़ें हल होती हैं, तो इसके इर्द गिर्द ये सारी चीज़ घूमती रहती है, और एक लगातार एक कहानी भी चलती है, पारिवारिक ड्रामा भी चलता है, और एक ये ह्यूमर बना है। तैयारी तो मैं क्या बोलूँ कि इस का कैरेक्टर है वो इतना 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 प्यार लिखा हुआ है, प्रॉपरली एज है, और इतना ब्यूटीफुल लिखा है इसमें, और मुझे मतलब इट्स वेरी वेरी ब्लेस्ड जो मुझे सूझी मिला, क्योंकि वो लिख के इतना अच्छा है, फिर जो हमारे डायरेक्टर हैं उन्होंने इतना ब्यूटीफुली डायरेक्ट किया, और मैं तो मतलब मैं साथ में आसमान में हूँ जो मैं इनके ऑपोजिट हूँ, तो मैं तो एक इंस्टीट्यूशन के साथ काम कर रही हूँ, तो सूझी को प्ले करना मेरे लिए इतना ईजी हो गया था, अब तो मैं आई एम सूझी, और बहुत प्यारा कैरेक्टर है, डेफिनेटली पूरा टीम जो है वो इतना ऑसम है कि हमें काम करना बहुत हमारे लिए ईजी हो जाता है। थैंक यू।